الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرا. قال: قل آمنت بالله مستقيم. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، اسلام کے سلسلے میں ایسی جامع بات مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا تو مستقیم، پھر پر قائم رکھو، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو. تو اس میں آپ نے ایمان کی اور استقامت کی نصیحت فرمائی جو جامع ہے. ایمان پر استقامت، استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت کے معنی ہوتے ہیں سیدھا چلتے رہنا، اسی سے مستقیم بنا. ہم جو دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہی استقامت ہے. بہکے نہیں، دائیں بائیں پگڈنڈیوں پر نہ جلیں، بلکہ وہی جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے، جو انبیاء کا اور اللہ کے مقرب بندوں کا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہیں مرتے دم تک، اس کو استقامت کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: استقامت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی نہی منع کردہ چیز سے بچتے رہنا، اور لومڑی کی طرح سے رنگ نہ بدلنا. لومڑی کی مکاری مشہور ہے، تو وہ مکاری نہ کرے مومن، بلکہ جو معاہدہ کیا ہے ایمان کے ذریعے اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے. اس کا نام استقامت ہے. استقامت سب سے زیادہ مشکل چیز ہے، استقامت سب سے زیادہ مشکل چیز ہے. اس لیے کہ آدمی کے اوپر مختلف حالات طاری ہیں. زندگی میں یکسانیت نہیں، زندگی کی فطرت یہ ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی غریبی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی امن ہے، کبھی خوف ہے، کبھی طبیعت میں انشراح ہے، کبھی طبیعت میں گراوٹ ہے اور تنگی سی محسوس کر رہا ہے، موڈ آف ہے اس کو کہتے ہیں. تو ان سب حالات میں آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑے تو استقامت. اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک حالت میں دین کو اختیار کرتے ہیں،
एक हालत में छोड़ देते। यही आप देख लीजिए, रमजान मुबारक में दीन का माहौल है, दीन की हवा चली हुई है, तो वो अमल कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, एक अच्छी कैफियत महसूस हो रही है। लेकिन देखेंगे आप कि वही शख्स अभी ईद के बाद फिर इन सब चीजों को छोड़ देगा और बस वो सुस्ती में, काहिली में और ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाएगा। तो इसमें किस चीज की कमी रही, इस्तेमामत की कमी रही। बहुत सारे लोग सफर में नमाज नहीं पढ़ते, घर में पढ़ लेते हैं, सफर में है तो छोड़ देते हैं। किस चीज की कमी है, इस्तेमामत की कमी, इस्तेमामत की कमी। बहुत सारे लोग सेहत में पढ़ लेते हैं, बीमारी में छोड़ देते हैं, इस चीज की कमी है, इस्तेमामत की कमी है। कुछ लोग मालदारी में पढ़ लेते हैं, गरीबी में नहीं पढ़ते। कुछ लोग गरीबी में पढ़ लेते हैं, मालदारी में भटक जाते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं। किस चीज की कमी है, इस्तेमामत की कमी। सारे हालात में अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम रहे, हालांकि उन हालात में अल्लाह ताला की तरफ से रुख्सत भी हो जाती है। इस्तेमामत अगर बंदा करता है तो अल्लाह ताला हालात के एतबार से बंदे को छूट भी दे देता है। सफर में आधी नमाज माफ हो गई, बीमारी में बैठ कर पढ़ने की, लेट कर पढ़ने की इजाजत हो गई, वजू नहीं कर सकते, तयमुम की रुख्सत हो गई, तो अल्लाह ताला ने छूट भी दे रखी है हालात को देखते हुए। लेकिन बंदा बिल्कुल ही तर्क कर देता है दीन को। तो यही है कि हम इसके बामत इख्तियार नहीं करते। तो इसी से हमें इसकी अहमियत मालूम होती है कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम कितनी अहम दुआ है। अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाता रहे, क्योंकि बार बार हम पढ़ते हैं हर नमाज में और नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है यार बार बार क्यों पढ़ते हैं। कहा कि वो बार बार जरूरत पड़ती है, फिर भटक सकता है बंदा। तो अल्लाह ताला चलाता रहे सीधे रास्ते पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो अमल करते हैं, जन्नत के करीब पहुंच जाते हैं, एक हाथ का फासला रहता है, फिर आखिर में तकदीर गालिब आती है और फिर वो बुरे अमल में मुब्तला हो जाते हैं और वो जहन्नम में जाने का सामान कर लेते हैं। तकदीर की बात तो हमें नहीं मालूम, तो अल्लाह की तरफ से रहते हैं, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में तो ये है कि अल्लाह से दुआ करते रहे कि तौफीक बख्शे अल्लाह ताला कि मरते दम तक हम दीन पर पाए, वरना तो कहीं भटक गए तो उसकी हिस्सी मिसाल समझिए कि आप पहुंच गए मंजिल तक, बहुत लंबा रास्ता था और 100 किलोमीटर का रास्ता समझिए, आपने 90 किलोमीटर तय कर लिया और फिर 10 किलोमीटर बची मंजिल, फिर वो जो आया तो आपने रास्ता बदल दिया, तो आप नहीं पहुंच सकते मंजिल, मंजिल नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए इस्तेमामत को सवाल अल्लाह ताला से किया गया है। बुजुर्गों ने फरमाया कि इस्तेमामत तो फौक अल करामा, कि इस्तेमामत ये करामतों से बढ़कर, करामात जो आप बुजुर्गों की सुनते हैं ना वो ज्यादा अहम नहीं है, लोग करामात को ही समझते हैं, अरे वो बुजुर्ग है ना वो तो यार क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, वो हाथ फेरते हैं तो सही हो जाता है, पढ़ के टूटते हैं तो उस आदमी का चमत्कार हो जाता है, इसमें ज्यादा पढ़ते हैं।
एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर कोई आदमी हवा में उड़ रहा हो, कोई आदमी पानी में चल रहा हो, तो धोखा ना खाना, उससे धोखा ना खाना, उसको देखना कि वो अल्लाह के हुक्म पर कायम है कि नहीं, अल्लाह ताला की मना करदा चीजों से बच रहा है कि नहीं। ये अगर कर रहा है तो वो वली है, वो मोमिन है। ये नहीं कर रहा है तो चाहे वो हवा में उड़े और पानी में चले, नमाज पढ़े पानी में मुसल्ला बिछाकर, कुछ भी कहे वो, लेकिन वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो अल्लाह का मोमिन बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई, फस्तकीम कमा उमिरता मन ताबा मअका वला ततगव, इस्तिकामत इख्तियार करो, फस्तकीम कमा उमिरता, जैसा हुक्म दिया गया वैसे सीध दे रहा हूँ। आप भी और आपके साथ जो तौबा करने वाले मोमिनीन हैं वो सब भी। तो हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला उन्हें कहते हैं कि हुजूर पर इससे ज्यादा सख्त आयत नहीं होती, फस्तकीम कमा होता, जैसा हुक्म दिया गया वैसा चलते रहो, इससे ज्यादा सख्त आयत नहीं उतरी हुजूर पर। और हुजूर ने फरमाया ये सूरह हूद की आयत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शय्यबतनी हूदुन, कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, ख्वाब की बात ज्यादा पक्की नहीं होती है लेकिन तशरीह के लिए बता रहे, और इब्न अब्बास की बात से चूंकि मेल खा रही है, जो असल सहाबी की बात थी उससे मिल जा रही है, इसलिए कुछ तशरीह के लिए बता रहे, वरना ख्वाबों में ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी का ही ख्वाब हो सिवाय अंबिया के ख्वाब के। तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालांकि हुजूर को देखना बरहक होता है, इसलिए भी इस ख्वाब की थोड़ी वो बढ़ गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो उसने हकीकत में देखा, लेकिन फिर भी अगर कोई हुजूर को ख्वाब में देखे और कोई ऐसी बात तो सुन ले के जो कुरान हदीस में नहीं है या उससे मैच नहीं खा रही है तो वो हुज्जत नहीं हो सकती, उलमा ने फरमाया। चाहे हुजूर को देखा हो ख्वाब में, क्योंकि ख्वाब में देखना आदमी को याद रहा कि नहीं रहा, हालांकि हुजूर को देखना तो बरहक है, लेकिन उसको याद रहा या ना याद रहा, उसका मतलब समझा कि नहीं समझा जो हुजूर ने फरमाया था वो, तो इसलिए हुजूर को देखना तो बरहक। तो बहरहाल तो पूछा साहबी, उन्होंने साहबी कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा कि आपने फरमाया है कि सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया है मुझे, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है? तो कहा कि यही आयत, फस्तकीम कमा उमिरता मन ताबा मअका। तो बहरहाल कुछ तशरीह होती है इससे, क्योंकि आपकी बात की तशरीह होती, वरना तो जो आपकी बात है वो तो आम है कि पूरे सूरह हूद के सारे मजामीन का असर, जो सारे और भी उसमें जो मजामीन है जो अल्लाह ताला के फरमान है उन सबका असर पड़ा होगा आपका, लेकिन बहरहाल इस आयत का फस्तकीम कमा उमिरता, सीधे चलते रहो। तो जब बंदा इस्तेकामत इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फिर उसको बशारतें मिलती है। कुरान मजीद ने एक आयत में बड़ी अजीम बशारत दी है वो इस्तेकामत पर, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर अपने आप को कायम रखा उसी कौलो करार पर, تتنزل عليهم الملائكة, मरते दम तक उस पर कायम रहे तो फरिश्ते उतरते हैं मौत के वक्त, تتنزل عليهم الملائكة, और कहते हैं अल्लाह तखाफू, अब बस हो गई पूरी इस्तेमामत की कहानी, और इस्तेमामत की जो अल्लाह ताला की तरफ से बात थी वो पूरी हो गई, शर्त पूरी हो गई, इस्तेमामत की शर्त पूरी हो गई, अब शर्त पूरी होने के बाद जजा मिल जाएगी। तो फरिश्ते उतरते कहते हैं खौफ करने की जरूरत नहीं है, कोई गम करने की जरूरत नहीं है, अब शुरू बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी हासिल करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, अब तुम्हारे लिए सारे मरहले,
और जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, और जो तुम मुतालबा करोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी जियाफत होगी। तो इसलिए बंदे को इस्तेकामत, इस्तेकामत में कौन कौन सी चीजें मदद पहुंचा सकती हैं बंदे को, तो इस्तेकामत में मदद पहुंचा सकती है बंदे को कि अल्लाह ताला से तौफीक मांगता रहे, अल्लाह ताला से तौफीक मांगता रहे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्श के जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो रोजा रख रहे हैं, जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जो तेरे हुक्म को बजा ला रहे हैं और तेरी मना करदा चीजों से बचे हुए हैं, ये कायम रहे अल्लाह ताला इस पर तौफीक अता फरमा। हुजूर कहते थे या मुकल्लिबल कुलूब थब्बित कुलूबना अला दीनिक, ऐ दिलों के बदलने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को इताअत की तरफ मोड़ दे। तो दिल अल्लाह के हाथ में, दो उंगलियों के दरमियान सारे बंदों के दिल हैं, अल्लाह ताला जिधर चाहे फेर सकता है। तो अल्लाह ताला से सवाल करना कि दिल कायम रहे। दूसरी बात ये है कि जमातुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े रहना, जमातुल मुस्लिमीन जो इज्तिमाई काम होते हैं उनके साथ जुड़े रहना, ये भी इस्तेकामत का एक जरिया है। जैसे जमात की नमाज कभी ना छोड़े, घर में नमाज पढ़ने की आदत ना डालें, फजर की ना ईशा की ना कोई सी, बल्कि यहाँ पढ़ते रहें। और जो मिल्लत में इज्तिमाई काम होते हैं, जनाजों में शिरकत करना और उलमा के इज्तिमात में शिरकत करना, जो इज्तिमाई काम होते हैं उसमें अपने आप को जोड़े, तो उससे क्या होता है, हिम्मत मिल जाती है बंदे को। अकेले में वो बात नहीं हासिल होती है, अकेला कुछ सोचता है, कुछ ख्याली पुलाव बनाता है, लोगों से मिलता जुलता है, मुसलमानों की जमात में आता है, तो फिर दूसरों को देखना चाहिए, ये भी तो यार है, तो वो कैसा बीमार है, फिर भी आया, हिम्मत मिलती है बंदे को। तो इस्तिमा, मुसलमानों के इस्तिमा से अपने आप को जोड़े लेना। तन्हाई बेहतर है फितनों से बचने के लिए, गलत कामों में ना पड़े ये तन्हाई तो बेहतर है, लेकिन अच्छे कामों से अपने आप को जुदा रखें ये तन्हाई अच्छी नहीं है। अच्छे कामों में जरूर शिरकत करना चाहिए, जमाती कामों में। जमाती काम मतलब जो मुसलमानों के इज्तिमाई काम है, जो मुसलमानों की जमात जो काम मिल करके करती है, उन कामों में अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। एक बात ये है कि कुरान मजीद का मुताला करते रहे, कुरान मजीद को पढ़े तिलावत, और कुछ ना कुछ उसका तर्जुमा तशरीह भी पढ़ते रहे, थोड़ी थोड़ी से आधा रुकू की एक ही आयत की कुरान मजीद की तशरीह पढ़ते रहे, और उलमा से पूछ ले, जो चीज समझ में नहीं आए उलमा से राबता करें, अपने तौर पर समझने की कोशिश करें, लेकिन जहां शक हो तो वहां पूछे उलमा से। और सीरत तैयबा का भी मुताला करें, सीरत पाक का अपनी किताब, जो हिंदी में जानता हूँ वो हिंदी में, जो उर्दू में जानता हूँ मैं, जो अंग्रेजी जानता हूँ अंग्रेजी में, सीरत का किताबों का, दीनी किताबों का मुताला करें। मैगजीन्स जो निकलते हैं मुख्तलिफ इलाकों से वो अपने यहाँ मंगवाने का एहतमाम करें। आजकल जो मोबाइल है उसके जरिए से अच्छा ही फायदा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि मोबाइल में जो अच्छे उलमा के बयान आते हैं, अच्छे उलमा के जो मोहतरम उलमा है तो उनके बयान आते हैं, तो उनको सुनते रहें, तो इधर उधर की चीजें सुनने के बजाय मोहतरम उलमा के बयान सुने, तो उससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और उलमा की खिदमत में जाते रहें, जो भी उलमा हैं बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत में जाते रहें और उनसे नसीहत का मुतालबा करें, तो इंशाल्लाह डर और खौफ के दरमियान, उम्मीद और खौफ के दरमियान रहे, अल्लाह से उम्मीद भी रखी जाए, अल्लाह से डरते भी रहा जाए। ईमान किसके दरमियान है, उम्मीद और खौफ के दरमियान, यानी कि उम्मीद ही उम्मीद पर कायम है वह हो जाएगी मगफिरत, ये भी है, लेकिन अरे जहन्नम कितनी सख्त है, क्या होगा अगर जहन्नम में चले गए, तो ये डर भी रहे और इंशाल्लाह अल्लाह बख्श देकर ये उम्मीद भी रहे। तो इस तरीके से हम अपने आप को कायम रख सकते हैं।
इस्तेमामत पर। इस्तेमामत बंदा गलत लोगों से सीख सकता है। बुजुर्ग का वाक्य अल्लाह आलम सही है कि गलत है कि एक शख्स था वो बार बार जुर्म कर रहा था, कभी चोरी की तो हाथ काटे गए, फिर चोरी की तो फिर जो उसके अगले मरहले में जो सजा है वो दी गई, तो हर बार ऐसा नहीं करता रहा वो करता रहा, फिर आखिर में फांसी हो गई उसको। तो उन बुजुर्ग ने जो है उससे फायदा उठाया कि जो है ये इस्तेमामत इन्होंने गलत रुख पर इख्तियार की, इन्होंने गुनाह पर इस्तेमामत की कि कितने उनके ऊपर वो सजाएं आई लेकिन माने नहीं वो, तो हम अच्छे तरीके पर क्यों ना कायम रहे, चाहे कितनी परेशानी आए उसको कितनी सजाएं मिली गलत पर कायम रखा तो हम पर कितनी परेशानी आए, लेकिन सही पर कायम रहे हम चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब इस्तेमामत है, इस्तेमामत हालात का मुकाबला करते रहना। बहुत सारे लोग हालात से घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ये भी नहीं कुछ नहीं, इस्तेमामत एक हालात का भी मुकाबला करेंगे भी हो जाए इंशाअल्लाह। तो इस्तेमामत अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस्तेमामत अता फरमाए। आखिर दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब की दुआ करता है।